इतिहास की दिलचस्प कहानियों के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें लिव हिस्ट्री इंडिया। जयपुर के नजदीक स्थित आमेर का किला राजस्थान के सबसे भव्य किलों में से एक है, मगर इस ही के पास स्थित है एक और शानदार किला जिसे आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। ये है जयगढ़ किला। आमेर और जयपुर से राज करने वाले कछवाहा राजवंश का एक मुख्य गढ़ रहा जयगढ़ पहले एक महत्वपूर्ण सैन्य किला था। ये किला अब एक विशाल तोप के लिए मशहूर है जो विश्व की सबसे बड़ी तोपों में से एक है। जयगढ़ आज एक व्यस्त पर्यटक स्थल है जहां हर दिन भारी संख्या में सैलानी आते हैं। अरावली पर्वत श्रृंखला की एक पहाड़ी पर स्थित जयगढ़ आमेर किले से करीब 400 मीटर की ऊंचाई पर बना हुआ है। आमेर किला पहले मीणा प्रमुखों का ठिकाना हुआ करता था, लेकिन 11वीं शताब्दी में यहां कछवाहा शासकों का कब्जा हो गया और ये 18वीं शताब्दी तक उनकी राजधानी रहा। सन 1727 में संवर जयसिंह द्वितीय ने आमेर को छोड़ जयपुर को अपनी नई राजधानी के रूप में बसाया। मुगल बादशाह अकबर के दरबार के प्रसिद्ध सेनापति राजा मान सिंह ने 16वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में आमेर किले को ये भव्य रूप दिया था। आगे चलकर उनके उत्तराधिकारियों ने इस किले में बदलाव करवाए और इसमें नए हिस्से जोड़े। राजा मान सिंह के शासनकाल के दौरान जयगढ़ शायद सैनिक छावनी या फिर रक्षात्मक दुर्ग रहा होगा, लेकिन 18वीं शताब्दी में संवर जयसिंह ने जयगढ़ किले में बदलाव किए और उसे एक महत्वपूर्ण गढ़ बनाया। ऊंची पहाड़ी पर स्थित होने की वजह से जयगढ़ किला आमेर और जयपुर दोनों के लिए ही सुरक्षा प्रदान करने का काम करता था। यहाँ से नीचे स्थित आमेर किला शहर और पहाड़ियों का मनोरम दृश्य दिखाई पड़ता है। दरअसल ये दोनों किले एक गुप्त सुरंग से जुड़े हुए हैं। आपात स्थिति में, खासकर युद्ध के समय, इस सुरंग का किले से सुरक्षित तरीके से निकलने के लिए उपयोग होता था। ये सुरंग अब लोगों के लिए भी खोल दी गई है। जयगढ़ किला कभी शस्त्रीकरण और खजाना रखने की जगह हुआ करता था। किंवदंतियों के अनुसार किले में कभी कछवाहा शासकों का खजाना रखा होता था, जिसकी सुरक्षा मीना समुदाय के लोग करते थे। देश में आपातकाल के दौरान भारत सरकार ने इस छुपे खजाने को ढूंढने के लिए यहां खुदाई करवाई थी, लेकिन सरकारी रिपोर्ट के अनुसार यहां कुछ भी नहीं मिला। लेकिन आज भी इस तरह की अफवाहें हैं कि खुदाई के बाद खजाने से लदे ट्रक दिल्ली ले जाए गए थे। जयगढ़ किले के परिसर में आज शाही निवास स्थान, बड़े आंगन, मंदिर और प्रवेश द्वार हैं। किले का जल प्रबंधन और सप्लाई सिस्टम एक बड़ी खासियत है। बड़े जलाशय और नहरों से पता चलता है कि उस समय जल संचय प्रणाली कितनी अच्छी रही होगी। किले की एक अन्य खासियत बीच में खड़ा मीनार है, जिसे दिया या दीवा बुर्ज कहा जाता है। यहाँ से किले की पहरेदारी की जाती थी। लेकिन किले का प्रमुख आकर्षण ये तोप है, जिसे जयवान तोप कहते हैं। राजा मान सिंह के समय से ही जयगढ़ एक महत्वपूर्ण ढलाई खाना था जहां हथियार बनाए जाते थे। जयवान तोप सन 1720 में संवर जयसिंह के शासनकाल में बनाई गई थी, जो उस समय की पहियों वाली सबसे बड़ी तोप थी। इस पर सुंदर पैटर्न और डिजाइन भी बने हुए हैं। दिलचस्प बात यह है कि इस तोप से सिर्फ एक बार ही गोला दागा गया है, वो भी परीक्षण के तौर पर। किले के परिसर में जयपुर के शासकों के पुराने हथियारों का संकलन आज भी देखा जा सकता है। इसके अलावा यहाँ पेंटिंग्स और तस्वीरें भी हैं। सैनिक शक्ति का प्रतीक ये जयगढ़ किला गुजरे जमाने के प्रताप और उपलब्धियों का जीवंत सबूत है।